कि एक तरफ हमारे नगर निगम के आयुक्त जिला कलेक्टर पर पदोन्नत होकर आसवा बना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे स्मार्ट सिटी का काम देख रहे हैं, जिन्होंने उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी के तहत अपने कार्य के माध्यम से नया आयाम स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका का निर्वहन किया। ऐसे हमारे कमल जी चौधरी हमारे नए आयुक्त बनकर नगर निगम में जिनका पोस्टिंग हुई है, और हमारे अतिरिक्त मुख्य अभियंता जिनका भी प्रमोशन होकर अरुण जी व्यास जो राजस्थान में मुख्य अभियंता के रूप में पदोन्नति होकर जयपुर पधार रहे हैं, हमारे तीन और अधिकारी महेंद्र जी सबदानी जो हमारे एक्शन होकर उदयपुर के अंदर पदोन्नति होकर यहाँ पर लगे हैं, हमारे सुनील प्रजापत जो जेएन थे एएन होकर यूआईटी के अंदर उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है, और प्रवीण बंसल जो जेएन से एएन होकर निम्बाड़ा में उन्होंने अपना कार्यभार अब ग्रहण करेंगे। उदयपुर में नया आयाम स्थापित करेगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अर्जुन जी मीणा हमारे बीच अनुरोध को स्वीकार करके बगा रहे हैं, उनका भी नगर निगम परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मंच पर विराजमान आदरणीय आयुक्त महोदय अंकित जी, नव निर्वाचित आयुक्त महोदय आदरणीय कमल चौधरी सर, मुख्य अभियंता आदरणीय अरुण जी व्यास जी, और सभी सम्मानित समिति के अध्यक्ष इस कार्यक्रम में पधारे, अधिकारी वर्ग कार्यक्रम में पधारे, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। रुचिका जी से अनुरोध कर दो मौजूद बता रहे नहीं उदयपुर की जनता ने बहुत मेहनत करकर इस कार्य को अंजाम दिया, उसके पश्चात उदयपुर स्मार्ट सिटी घोषित हुई, उसके पश्चात जिस तरह से आज अरुण जी व्यास ने इस देश के अंदर बहुत मेहनत करने के पश्चात 538 करोड़ रुपए के टेंडर लगाया एक ही, वो शायद मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक कदम था। और उसके पश्चात जब उस समय हेमंत सिंह जी भारत हमारे आयुक्त थे, उसके पश्चात हमारे सिद्धार्थ सर यहाँ पर आयुक्त बनकर आए, उन्होंने इस कार्य को बहुत बखूबी अंजाम दिया। सवा साल पूर्व हमारे नए आयुक्त आदरणीय अंकित जी ने ज्वाइनिंग किया, और सबके तालमेल की वजह से मैं बहुत गर्व के साथ ये कह सकता हूँ आगे आने वाले एक डेढ़ साल के पश्चात लगेगा कि वाकई में उदयपुर शहर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बनने वाला है। हमारा सौभाग्य रहा 6 महीने पूर्व जब इस बोर्ड के चुनाव हुए, और हमें ये सब बना रहे और सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें आदरणीय सांसद। ये तो बांसवाड़ा जा रहे हैं, बांसवाड़ा एक तरह से गंगा के अंदर एक जगह है,
बहुत फेमस है, उन्होंने थाउजेंड आइलैंड अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर से ऊपर। उसी तरह जहां आप जा रहे हैं वो वहां पर टाउन ऑफ हंड्रेड आइलैंड के नाम से है, मतलब जो महानदी जो माही का जो डैम बना है वहां पर बहुत से ऐसे जो सौ आइलैंड बने हुए हैं। तो आप वहां जा रहे हैं तो हमको बड़ी खुशी है और मेरे को पटनी में इतनी खुशी है कि मैंने बहुत ज़्यादा समय देकर शरीर में 19 ट्रांसफर्स हुए हैं और सबसे कम ट्रांसफर और सबसे ज़्यादा स्टे जरा बांसवाड़ा में रहा। आप वहाँ जा रहे हैं तो जरूर बांसवाड़ा को और लाभ होगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। अभी क्योंकि आपको जाना है और वही जो मैं कह रहा हूँ कि जो माही नदी का जो बॉर्डर है वहाँ पर भी आपका स्वागत जरूर होगा। ये कभी चले बांसवाड़ा की नसारा पुल जो है जस्ट पार करके लोग वहाँ मिलेंगे आएंगे बांसवाड़ा के और आपका स्वागत करेंगे। हमारे छोटे साहब तो इतनी हमारे ध्यान बचा नहीं है और हमारा तो काम भी कर ही रहे हैं, स्मार्ट सिटी तो ऑलरेडी है ही, नगर निगम के अंदर भी जब थोड़ा बहुत तो रहता ही है तो हमने हेल्प करी। और अब हम समझते हैं कि नगर निगम को समर साहब छोटी साहब का बहुत बड़ा जो है अनुभव का फायदा हमको होगा। और ब्याज जी जो जा रहे हैं एडिशनल के जरिए बन के जयपुर में वो भी वहाँ पर जा करके जयपुर का नाम रोशन करेंगे, इसकी मेरे को आशा है। और सभी जो का परामर्श हुआ है वो आशा करता हूँ कि वो अपनी नगर से काम करें। धन्यवाद। महापौर जी का आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे ग्रामीण के विधायक आदरणीय कुल सिंह साधना सेवा मनन और आकर्षण करें आदरणीय कुल सिंह सरकार के नियुक्ति होने पे बहुत बहुत बधाई। कमल चौधरी जी भी इसी लाइन में थे मगर उदयपुर को इनकी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए आने वाला समय में हम शुभकामना एडवांस में देते हैं कि आप भी इसी सीट पर उदयपुर में आए तो और बढ़िया है। मगर हमारे नगर निगम में आपका अनुभव का पूरा फायदा होगा क्योंकि आपने हमारा एटीए का काम भी बहुत ही अच्छा किया और आपने जिला परिषद में सीओ की जिम्मेदारी और हमारे स्मार्ट सिटी का काम दोनों देखते हुए जो पंचायतों का जो आपने इतना बढ़िया सुचारू रूप से जो काम नरेगा के अंदर रिकॉर्ड को आपने लेवल लगाकर और सही कार्य को भी बधाई। और सभी हमारे संतानी जी और सभी इनके साथी जो नव नियुक्त पद पर आपको सुशोभित किया गया आप अच्छा काम करेंगे, मेरी शुभकामना के साथ में आगे जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पर और यहाँ का अनुभव से वहाँ अच्छा काम करेंगे, मेरी शुभकामना के साथ में मेरे को भी यहाँ पे बुलाया। और क्योंकि क्या है कमर सर का यहाँ कमिश्नर बनना था, अब कलेक्टर तो बनना ही नहीं रहा था, ये योग की बात है और हमें निश्चित रूप से इतना फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन अगर खुशी के साथ साथ में अगर दोनों ही साथ हो जाते तो और इनसे चार गुना ज्यादा खुशी होती, लेकिन जो भी है उसको स्वीकार करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ हमारा लोकप्रिय सांसद अर्जुन जी से निवेदन करता हूँ, वो बता रहे हमारे नगर निगम उदयपुर के कमिश्नर साहब बांसवाड़ा जिला कलेक्टर के रूप में आज पदभार ग्रहण करेंगे और हमारे जाना पहचाने उदयपुर नगर परिषद जिला परिषद के सीओ साहब आज कमिश्नर के रूप में नगर निगम में ज्वाइनिंग देंगे और उनकी जयपुर में चीफ इंजीनियर के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बाकी दो अधिकारी भी बदौलत होकर अपनी अपनी जगह अपना पदभार ग्रहण करेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी बांसवाड़ा देने का, मैंने बीएड बांसवाड़ा से करी, सड़कों में बोला था बांसवाड़ा राजस्थान का बहुत ही सुंदर शहर के रूप में पहचान बनी है। माही डैम बनने के बाद तो बांसवाड़ा पूरा जिला पानी के रूप में सिंचाई के रूप में हर तरह से बहुत अच्छा हो गया है और वहाँ के लोग भी बहुत ही अच्छे लोग हैं, आपको बहुत ही पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं आप वहाँ
सफलतम कलेक्टर के रूप में कार्य करते हुए आगे और ऊंचाई तक पहुंचे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कमल साहब हमारे साथ ही रहेंगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पूर्व में हमें सहयोग मिला है, जनता को जो सहयोग मिला है काम के रूप में, आगे भी मिलता रहेगा। और चूंकि आज आप लोगों को सबको अपने अपने समय से पहले जाना है तो सबको मैं अपने शुभकामना देते हुए मेरी बात को ये विराम देता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय अरुण जी व्यास, अरुण जी व्यास के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष आदरणीय दारा जी वैसा से वो बना रहे और मनोहर जी चौधरी बना रहे। अरुण जी का बहुत बहुत अभिनंदन के साथ में निवेदन कर रहा हूँ और अपने जो पिछले तीन साढ़े तीन साल है ना पांच साल जो यहाँ पर उदयपुर के अंदर निकाले और जिस प्रोजेक्ट को इन्होंने अध्ययन दिया, मैं आदरणीय अरुण जी से निवेदन करता हूँ। बहुत भूखा भी हो रहा है लेकिन अगर उदयपुर में नगर निगम में स्मार्ट सिटी में अगर सिद्धार्थ यात्रा पर नामी लिया जाए तो लगता है बहुत बड़ी कमी है। युवा दोनों बेहद जीरे कॉमिशन और उन्हीं के काम को आगे अंकित सर कमर्शर ने इतना बखूबी छुपा है और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उदयपुर की जनता उदयपुर के नेता इतना प्यार दिया और यहाँ पे वो चीज़ें जो सब कुछ धरती को पहले से स्वर्ग किया है और उसको अच्छा करे। धन्यवाद। अरुण जी ने बहुत शॉर्ट में अपनी बात कर रखी। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूं स्वागत की रस्म को आगे बढ़ाता हुआ निवेदन कर रहा हूं हमारे वित्त समिति के अध्यक्ष बहन रुचिका साथ ही साथ जितने भी नए इंजीनियर्स प्रमोट हुए हैं उन्हें
कपाल से माले जा रहे हैं, यहाँ पे संभाल रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो भविष्य में भी अच्छा काम करते रहे। आप सबके सहयोग की काफी जरूरत रहेगी और आशा करता हूँ सबका सहयोग हमें निरंतर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी जी का आभार। अब जिनके लिए हम यहाँ पर, दोनों ही के लिए, कमल सर के लिए और अंकित जी के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, अरुण जी के लिए एकत्रित हुए, लेकिन हमने हमारे जो अरे तालियां तो जोर से बजनी चाहिए ना। मैं निवेदन कर रहा हूँ, कुलदीप जी जोशी आ गए क्या? गोपाल स्वागत के अभिनंदन के इस क्रम में महेंद्र जी समदानी, जो इतने वर्षों तक एएन का काम कर रहे थे, अभी वर्तमान में इनकी भी पदोन्नति हुई है और एक्शन बने हैं, इनके सम्मान के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। मेरी नाम जी सालवी, हमारे स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष आदरणीय मेरी नाम जी सालवी, स्वागत के इस क्रम में अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे आयुक्त महोदय, जो वर्तमान में आयुक्त न होकर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर पर पदोन्नति होकर यहां से पधार रहे, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय महापौर जीएस टांग साहब से कि वह उपरना उड़ाकर स्वागत करें। आदरणीय ताराचंद जी साहब, भाई साहब चेयर, जो हमारे वरिष्ठ निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, आदरणीय मनोहर जी चौधरी वह पधारे, लोकेश जी गोड वह पधारे, अरुण जी पधारे और फूल सिंह जी साहब मीणा, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, अर्जुन जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वह स्वागत करें। स्वागत सबको करना है लेकिन उसके बाद अब मैं निवेदन कर रहा हूँ जिला कलेक्टर बांसवाड़ा आदरणीय अंकित जी से कि वह बता रहे और आगे बात रखें। आदरणीय मेयर साहब, पारस जी, हमारे नए आयुक्त महोदय अरुण जी, सभी पार्षदगण, समिति अध्यक्षगण, अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि सुबह सुबह आपको इतनी जल्दी बुलाना पड़ा है, पहले प्रोग्राम 10 बजे का था तो आप सभी यहाँ पर बता रहे हो, उसके लिए धन्यवाद भी। पिछला सवा साल मेरा यहाँ पे गुजरा, बहुत अच्छा गुजरा, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, मतलब मेरी तीसरी पोस्टिंग है राजस्थान के अंदर, कभी ऐसा नहीं लगा कि काम पर आ रहे, ऐसा लगा घर में आ रहे हैं, सब परिवारजन हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे से व्यवहार रहता है। और ऐसा नहीं कि छोटा टेन्योर था, ठीक टेन्योर था, काफी कुछ रहा, पिछला बोर्ड भी देखा, नया बोर्ड भी देखा, इलेक्शन देखा, कोरोना देखा, सब कुछ देखा, तो काफी अच्छा सहयोग मिला, सभी से सहयोग मिला और मुझे बिल्कुल भी हिचक नहीं है। मुझे दूसरे नगर निगम से फोन आते थे, पूछते थे भाई तुम लोग काम कैसे करते हो, कि हमसे नहीं होता यहाँ पे इस तरीके से काम, जितना कोऑर्डिनेशन है यहाँ पर, जितना सहयोग मिलता है आप सभी से, मेयर साहब के संरक्षण में हम काम करते हैं, तो इस तरीके का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो मुझे नहीं लगता शायद कहीं और मिलेगा। और मैं
कल कमर साहब मेरे से पूछ रहे थे कि कैसे काम करना है यहाँ पे। वैसे तो स्मार्ट सिटी का देखा हुआ है बट नगर निगम का, मैंने कहा आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, यहाँ पर सब बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं और हर कोई चाहता है कि शहर का विकास हो और हम उसमें ऐड हों। इसके साथ आज अरुण जी, समदानी जी, प्रवीण सब प्रमोट हुए हैं, इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक चीज जो मैंने यहाँ पे महसूस करी पिछले 1.5 साल में, 3 स्तंभ हैं यहाँ पर स्मार्ट सिटी के। सिद्धार्थ सर जो आज अभी तो यहाँ हमारे साथ नहीं है, अरुण जी और कमल स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं स्मार्ट सिटी के साथ और जो काम रहा है वो वाकई में देखने लायक है। एज कमिश्नर हम लोग को कई चीजें रिपोर्ट में देनी पड़ती थी, जब मैं चेक करता था तो पता चलता था स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी वो काम ले लिया गया है। तो इतना प्रोएक्टिवनेस है स्मार्ट सिटी की तरफ से और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप कमिश्नर के तौर पे यहाँ पे काम करेंगे कमर साहब तो वही प्रोएक्टिवनेस के साथ और आगे इसको और स्पीड से लेके जाएंगे। इसके साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। आज सच में मतलब जब भी हम लोग यहाँ से ट्रांसफर होते हैं तो स्पीच सुनते हैं कि आज भावुक पल है, पर आज सच में मेरे लिए भावुक पल है कि आप सभी को यहाँ से आज विदा लेकर मुझे आगे जाना है। आशा करता हूँ कि आप सभी के जैसा सहयोग मुझे वहाँ भी मिले और प्रगति करें। थैंक यू। बहुत ही अच्छा गुजरा और भविष्य के अंदर भी आप बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। हमारे अधिकारी वर्ग यहाँ पर विराजमान है, वह भी अपनी उम्मीद रखते हैं कि हम अधिकारियों का जो प्रमोशन होने जा रहे हैं उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं 5 मिनट का कार्यक्रम और सेंस है। हमारे भवन अनुमति समिति के अध्यक्ष आशीष जी रह गए मेरी सूची में, आ जाइए ना आशीष जी, कोठारी से निवेदन करता हूँ वो बना रहे अंकित जी का उपनाम आकर स्वागत करें। और हमारे ऐसी पुजारी साहब से एक चीज मैं बोलना भूल गया, आप लोगों में से कोई भी पासवर्ड आता है तो जरूर कॉल करें और मुझसे मिलके स्वागत के इस क्रम में हमारे नव नियुक्त आयुक्त आदरणीय कमर सर के स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूँ। हमारे आरओ जो हमारे जुजारूप से जो इस घर में जब भी कभी कोई काम बताते हैं तो तत्पर रहती है, बहन सुनीता जी से भी अनुरोध करता हूँ वह पधारे और नव नियुक्त आयुक्त कमर सर का स्वागत करें। अभिनंदन। स्वागत के इस क्रम में हमारे अरुण जी के अभिनंदन के लिए हमारे विद्युत के हमारे एक्चुअल भाई श्री गिरीश जी से अनुरोध करता हूँ बता रहे। ओएस फिरोजी, फिरोजी है हाँ, फिरोजी से अनुरोध करता हूँ बता रहे। भाई श्री नीरज जी उनसे अनुरोध करता हूँ अरुण जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। कोई नाम तो नहीं रह गया ना? हाँ अरे लखन कड़े हो गए। समदानी जी आ रही है, चलो समदानी जी बोला आपने सर बेरवा जी समदानी जी करने भी नहीं है यार, करने की कैसे बोले यार, आ जाओ ये के स्वास्थ्य वाला जी। हां स्वास्थ्य जी का ले लिया नाम गलती हो सकती है, हो गया तो बात के लिए आ जाओ। अब गलती से मैंने नाम भी दूसरा बोल दिया डॉक्टर साहब, हो जाती है गलती, क्षमा याचना। मैं अभिनंदन के लिए निवेदन करता हूँ इस कार्यक्रम में, छोटे से निवेदन पर बता रहे हमारे सांसद महोदय अर्जुन जी मीणा उनके स्वागत के लिए महापौर जी से निवेदन करता हूँ कि वह ऊपर उड़ा कर स्वागत करें। मीणा का स्वागत।
कार्यक्रम के अंत में समाप्ति के पश्चात सभी समिति अध्यक्ष अरुण जी, लोकेश जी, सभी जो स्वागत से वंचित रह गए मैं उनसे निवेदन करता हूँ, वह अंकित जी का, कमल सर का, अपन जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धन्यवाद के लिए मैं हमारे उपायुक्त आदरणीय, हाँ हमारे अंकित जी का स्वागत कर रहे हैं कमर सर, आप जोरदार ताली बजा रहे हैं। मैं हमारे उपायुक्त अनिल जी स्वागत कर रहे हैं अंकित जी का, ये हमारी यादें अपने मनोमस्तिष्क पर रहे। मैं अरुण जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए सम्मानित सभी से निवेदन करता हूँ। मैं धन्यवाद के लिए निवेदन कर रहा हूँ अनिल जी, दो सिर्फ पुराने सीईओ साहब, नए सीईओ साहब, पुराने सीईओ साहब के साथ हमारा कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा। नए अधिकारी होते हुए भी इन्होंने बड़ी परिपक्वता से और सारी चीज़ों को हैंडल किया। कोरोना की सिचुएशन में भी काफ़ी अच्छे तरह से उदयपुर नगर निगम का काम रहा और ये नव पदस्थापित पद पे जा रहे हैं, कलेक्टर बन के जा रहे हैं। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका भविष्य उज्ज्वल रहे। धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करते हैं। सभी समिति अध्यक्ष आए, कोई भी वंचित रह गया, मैंने कोशिश की सबको बुलाकर सबका स्वागत कराएं, फिर भी आप बधा सकते हैं और सबका अंकित सर का, क्योंकि अंकित सर को बधाना है तो उसके लिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ जो वंचित रह गए वह बधा रहे, स्वागत करें और फिर उसके पश्चात यहाँ से अपन मिले। हजारों साहब उठ लो है, आप तो तैयार है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।